नज़र लग जाएगी। दोस्तों सॉन्ग तो आपने देखा ही है, मैंने रिएक्शन रिव्यू भी दिया था, क्विक रिव्यू इसका। अब बात करते हैं सॉन्ग रिएक्शन के बारे में। देखो उस टाइम पे उस रिव्यू में मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया था, क्योंकि जो एक्सप्रेशंस थे ना अजय देवगन के, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड थे यार। आई मीन यार देखो कुछ ऐसे सीन्स है ना, ऐसा नहीं रहता है कि कौन सा ऐसा सीन था जो आपको एकदम टच कर दिया एंड ऑल। अजय देवगन के ना, अगर आप कभी कभी दो एक दो सेकंड्स के भी रिएक्शंस देखोगे ना, मतलब एक दो सेकंड्स के एक्सप्रेशंस देखोगे ना आप कभी कभी, आपको एक फील ऐसा अचानक अंदर से कुछ हो जाएगा यार। मतलब आई से वो बहुत कुछ कह देता है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला। आप बात करते हैं इस सॉन्ग के बारे में। देखो मुझे ना इस सॉन्ग का सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, वो जो लव स्टोरी उन्होंने दिखाने की कोशिश की है, मतलब अजय देवगन का उस लड़की के साथ, मतलब जिस तरीके से वो उसका जो लेडी लव से वो एक अट्रैक्ट हो जाता है, और वो जो पुरानी एक स्टाइल थी ना, मतलब किसी को अगर पटाना है, इम्प्रेस करना है, उसके दिल में जगह बनानी, ये नहीं भाई छपरी जैसा, मतलब आजकल, या फिर कुछ ये जैसा कि भाई आई लव यू टू, एक रोज़ दे दिया हो गया काम, या फिर कोई छिछोरपंती की तरफ से नहीं, मतलब एक इनोसेंस भी रहता है उसमें, मतलब। और इवन इज्जत बचाने, वो जो एक सीन दिखाने की कोशिश की ना उन्होंने, बहुत कुछ वो कह जाता है सीन। तो कहने का मतलब ये है कि यार मैं अब ये कह रहा हूँ या ओपनली बोल रहा हूँ, ये सॉन्ग देखने के बाद, भोला विल बी द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर ऑफ अजय देवगन इन हिज लाइफ एट प्रेजेंट। हाँ आगे सिंघम आएगी, ये आएगी, वो आएगी, वो बात की बात है। एट प्रेजेंट अब मुझे जो पहले लगा था भोला को लेके, हालांकि मैं पहले से ही श्योर था कि ये मूवी, और जो लोग डाउट करते थे ना अजय देवगन को एज अ डायरेक्टर, कि उनके जब भी डायरेक्शन करते हैं तो मूवी ये होता है ये होता है, एक बार ओपनली लिख देता हूँ यार, इस बार मैं एज अ डायरेक्टर सबसे बड़ी मूवी यही होने वाली है, कलेक्शन के मामले में भी अजय देवगन की। मेरे पास वर्ड्स ही नहीं थे उस टाइम पे जब, अभी मैं थोड़ा क्योंकि मैंने वापस देखा सॉन्ग एक बार अभी, और यार वो एक बात है इस सॉन्ग की, जब भी आप वो सुन रहे हो या फिर अभी सुनने के बाद आप बंद कर दिया सॉन्ग, लेकिन वो बार बार ऐसे कान में आते ही, नज़र लग जाएगी, जिस तरीके से वो गाया है ना एकदम यार, वो टोन, वो जो। और सबसे ज़्यादा पसंद क्या है पता है, एंड में जब सॉन्ग ख़त्म हो जाता है और वो भोला का एक स्पेशल थीम, अरे वो थीम बाप थीम है यार, वो एकदम, मैं वही सोचा कि वो है या नहीं, मतलब सॉन्ग सा सॉन्ग का उससे कोई लेना देना नहीं है, सॉन्ग ख़त्म होने के बाद वो एकदम भोला जो नाम आता है और जो थीम है ना स्पेशल भोला की, क्या होगा यार, क्या विलन्स होंगे, क्या क्या तबाही होगी इस मूवी में, कि आप यार आप सोच ही नहीं सकते कि क्या होने वाला है इस मूवी में। ये मूवी मैं वीडियो बनाया था कल आईपीएल को लेके, यार ये मूवी आईपीएल के मैचेस की टीआरपी ख़त्म कर देगी। हम ये सोच रहे थे कि रात की ऑक्यूपेंसी थोड़ी सी कम हो जाएगी इस मूवी की, ये मूवी की ऑक्यूपेंसी नहीं बल्कि आईपीएल की टीआरपी हटा सकती है ये मैच कुछ ये मूवी कुछ मैचेस की। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, पागल यार, मतलब ये सॉन्ग देखो यहाँ पे जितनी भी जावेद अली की, इरशाद कामिल ना आई गेस, या फिर राज, आई होप कि मैंने सही नाम लिया, क्योंकि अभी एट प्रेजेंट मैं मेरा पूरा ध्यान है वो अजय देवगन के एक्सप्रेशंस और वही याद आ रहे हैं मुझे बार बार। मैं अभी भी इट वॉज लाइक सरप्राइज फॉर मी। ओके सबसे पहले जब इस सॉन्ग की अनाउंसमेंट हुई थी एक 5-7 दिन पहले, तब मैं थोड़ा सा शॉक था कि यार मेजर साहब का तो सॉन्ग रिक्रिएट लेकिन भोला में क्यों किया, करना था तो भाई आप सिंघम में या फिर कहीं दूसरे जगह पे एक रोमांटिक ट्रैक डाल सकते थे दूसरी मूवी में, क्योंकि भोला तो उस टाइप की नहीं है। लेकिन बाद में जब मैंने वो क्लिप सुना तब समझ में आया कि यार लिरिक्स है थोड़ा सा या बाकी वर, मतलब सिर्फ नाम सेम है गाने का, बाकी पूरा डिफरेंट सॉन्ग है, तब जान में जान आई। अरे यार एक सॉन्ग ना भाई, जाओ जिन्होंने नहीं सुना है ना यार, आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो यार, जस्ट जाओ सुनो। और मैं सच बोल रहा हूँ, ये सॉन्ग सुनने के बाद जो लोग भोला के नाम पे भौंक रहे थे ना यार, मतलब सॉरी ये वर्ड्स यूज़ किए, लेकिन उनका मुंह बंद हो जाएगा भाई। मुझे तो याद नहीं भाई कही थी मैं कोई ऐसा सॉन्ग है, अब ये मत बोलना बार बार रीमेक रीमेक, अब ये वर्ड आज से भोला ये रीमेक है ये वर्ड मैं आज से लेने नहीं वाला, ये लास्ट टाइम बोला हूँ मैं। ओके आई होप कि मैं अगले वीडियो में भी, हाँ कुछ लोग जब भी भोला को रीमेक वगैरह बोलेंगे तो क्रिटिसाइज करेंगे, अगर करेंगे, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि अजय देवगन ने किसी को भी अब क्रिटिसिज्म के लिए छोड़ा होगा, जिस तरीके से ये सॉन्ग था
मैं जस्ट अब होप कर रहा हूँ कि एक भोलेनाथ जी पे शिव शंकर का एक सॉन्ग आ जाए, क्योंकि ये मूवी का जो एक मोटिव है उस अकॉर्डिंग मुझे एक अंदर से फील आता है कि बहुत बढ़िया सॉन्ग आना बाकी है इसका। ये बहुत बेहतरीन सॉन्ग था, नो डाउट एट ऑल, मज़ा आ गया। मैं तो बहुत एक्साइटेड था और उस एक्साइटमेंट में आपने देखा होगा, उस रिएक्शन में मैं कुछ बात ही नहीं कर पा रहा था उस रिव्यू में, पर जो फील था ना यार वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं न्यूट्रल रिएक्शन दे दूँ, एकदम नेचुरल रिएक्शन दूँ, कि भाई डायरेक्ट गाना सुनना, 1 मिनट का मैंने पॉज लिया था तब मैंने बताया आपको, और बाद में डायरेक्ट रिएक्शन देना कि भाई रिव्यू देना कि क्या लगा, तो वो ऑटोमेटिक एकदम फील आया था। एटलीस्ट अभी तो मैं थोड़ा सा याद करके नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा अभी ये नेचुरल रिएक्शन उतने नहीं है जितने वो थे, वो एकदम, आप वो रिएक्शन ज़रूर देखना रिव्यू। आई वॉज स्टन, मैं स्टॉक्ड हो गया था, थम गया था मैं, वो कुछ तो था भाई उस सॉन्ग में। सच में आप जब भी सुनोगे ना वो सॉन्ग आप फील करोगे, और मैं ये सोच रहा था उस टाइम पे भी थिएटर में क्या मज़ा आएगा यार, थिएटर में क्या होगा ये। और देखो ये भोला, मुझे एक पर्सनली लगता है भोला एक मास एंटरटेनर भी है, और वेल बिहेव टाइप की जो पर्सनैलिटी रहती है ना, उसका जो बिहेवियर उस कैरेक्टर का जो होगा अजय देवगन का, वो बहुत बेहतरीन, यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना बाजीराव सिंघम एक अलग कैरेक्टर है, विजय सालगांवकर, गोपू अपना गोपाल, ये जो कैरेक्टर्स है ना इनसे भी बड़ी छाप पाड़ने वाला गिरा देगा वो कैरेक्टर भाई, इनसे भी बड़ा वो कैरेक्टर ना उतना बड़ा नाम करेगा ना जितना आप फिर आप कंपेयर करोगे कि भाई भोला वाला अजय देवगन बेटर है या वो बेटर है, ये बेटर है या वो बेटर, आई मीन आपको आंसर शायद भोला का ही मिले, ऐसा कैरेक्टर बनने वाला है वो। हाँ मैं उस कैरेक्टर का सिर्फ एक मूवी से कंपेयर नहीं करूँगा, तानाजी से, वो मूवी एक हाई लेवल थी, वो लॉकडाउन नहीं आता ना वो 500 करोड़ वर्ल्ड वाइड जाने वाली थी, उसने इतना तगड़े इतने जल्दबाजी में उसने वर्ल्ड वाइड 370 करोड़ कमाया था ना यार, सच में वो लॉकडाउन अगर नहीं आता ना, क्योंकि वो मूवी 2 महीने एक 1.5 2 महीने से थिएटर में थी और हाउसफुल जा रही थी, बागी 3 भी पिट गई थी, उसके बाद भी उन्होंने बागी 3 निकाल के तानाजी के शोज कई जगह डाले थे, यानी कि अगले 130 करोड़ आराम से आने वाले थे उसके 15 दिन में आ जाते, अगर 15 दिन लेट लगता ना लॉकडाउन, यहाँ पे वो चांस है, वो 500 करोड़ वर्ल्ड वाइड, इवन 600 करोड़ वर्ल्ड वाइड बोल रहा हूँ मैं तो, ये सॉन्ग के बाद तो मैं इतना बोल रहा हूँ भाई, मज़ा आ गया यार। मतलब जावेद अली फैंटेस्टिक, अजय सर नो वर्ड्स यार, आपके लिए वर्ड्स ही नहीं है अब, ओके। एंड टाइटल यार, पहली बात तो मुझे मूवी का टाइटल सबसे ज़्यादा पसंद आया है, नाम भोला, एंड ये सॉन्ग नज़र लग जाएगी यार, दिल जीत नहीं लिया, दिल चुरा ही लिया आपने तो यार। हाँ मतलब और क्या बोलूँ मैं, वर्ड्स नहीं है मेरे पास, मज़ा आ गया। शाम को मैं इसी के चक्कर में, अब भोला पे एक वीडियो तो बनता है शाम को, आई होप कि आपको भी पसंद आएगा, उसमें हम कलेक्शन के बारे में और इसकी पूरी डिटेल में लाऊंगा, बजट वगैरह अगर मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती एग्जैक्टली बजट कितना है वगैरह, तो मैं डेफिनेटली शाम को भोला का एक वीडियो लाऊंगा, आई होप कि आपको पसंद आएगा वो भी, और आप चाहोगे तो लाऊंगा। शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा यार ये वीडियो, देखो जितना शेयर करोगे उतना ट्रेंड होगा, ट्रेंड होगा अजय सर को फ़ायदा होगा, मुझे नहीं, अजय सर के लिए करो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि देखो रिव्यू रिएक्शन देने वाले 1000 मिलेंगे, दिल से कोई बोलने वाला रिएक्ट करने वाला उन 1000 में से शायद 100 होंगे, हाँ मैं ये नहीं बोलूँगा 10 ही होंगे, 100 होंगे, तो एटलीस्ट मैं दिख जाऊँगा लोगों को। और देखो मैं, मुझे मेरे पॉपुलैरिटी से कोई लेना देना नहीं है, ये सॉन्ग ने ना भाई, मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं अक्षय के फैंस को बार बार बोलते आया हूँ कि शेयर करो सेल्फी का कुछ भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि जब जब तक आप आपके एक्टर को प्रमोट खुद ही नहीं करोगे तब तक तो कुछ होने नहीं वाला। यहाँ पे मैं हमेशा कोई भी वीडियो बनाऊँगा न्यूट्रल बनाऊँगा एज अ नेचुरल ऑडियंस, मैं किसी का फ़ैन हूँ उस अकॉर्डिंग मेरा कभी भी वीडियो नहीं रहता है, मैं बार बार यही बोलते आया हूँ, मैं ये सिर्फ शेयर इसलिए करो बोला क्योंकि भोला का ये जो सॉन्ग है बहुत बड़ा सॉन्ग है, और इसका रिएक्शन आपको अगर नेचुरल रिएक्शन चाहिए कि नहीं भाई किसी का फ़ैन हो के नहीं दिया हुआ रिएक्शन है, ये एक ऐसा न्यूट्रल रिएक्शन है कि भाई उनका सॉन्ग देखा मुझे इतना पसंद आ गया मैंने दे दिया रिएक्शन, लेकिन
आपको नेचुरल रिएक्शंस रिव्यू देखने को कम मिलेंगे आजकल के ज़माने में, इसलिए बोला मैं शेयर करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जितने भी एजे सर के फैन क्लब वगैरह है उसमें डाल दिया तो भी चलेगा वीडियो। शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, कैसा लगा बताना ज़रूर सॉन्ग। थैंक यू।